बारिश और बाढ़ ने आंखों की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया है। अचानक से आई फ्लू के केस तेजी से बढ़ने लग गए हैं। छोटे छोटे बच्चे आई फ्लू इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि बरसात में नमी के चलते कई तरह के बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं। आई फ्लू भी इन्हीं बीमारियों में से एक है। हालांकि इस बार केस हर बार से ज्यादा है। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी बच्चे की आंख में दर्द है और लाल है तो सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आई फ्लू के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे समय में बच्चों को स्कूल या घर से बाहर नहीं भेजने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आई फ्लू बैक्टीरिया से होती है जो दूसरे बच्चों में भी फैल सकती है। ये तो हमने जाना कि आई फ्लू होता क्या है, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि अगर आखिर किसी को आई फ्लू हो जाता है तो इसे ठीक होने में कितने दिन लग जाते हैं। दरअसल आई एक्सपर्ट के मुताबिक वैसे तो आई फ्लू का इन्फेक्शन एक हफ्ते के अंदर ही ठीक हो जाता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें इन्फेक्शन को ठीक होने में करीब 2 हफ्ते या उससे भी ज्यादा वक्त लग गए हैं। बताया जा रहा है कि ऐसा तब होता है जब बैक्टीरिया का संक्रमण ज्यादा होने का खतरा रहता है। ऐसे में एंटीबायोटिक लेने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ केस में स्टेरॉइड भी डॉक्टर देते हैं। दरअसल आई फ्लू के सामान्य लक्षणों में आंखें लाल होना, खुजली होना, आंसू आना शामिल है। आंखों के आसपास डिस्चार्ज या पपड़ी भी इसमें शामिल है। वही आपको ये भी बता दें कि बच्चों में आई फ्लू होने का खतरा ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि बच्चे हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं और बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, साथ ही हाथों को आंखों पर लगा लेते हैं। ऐसे में आई फ्लू का खतरा बच्चों में ज्यादा बढ़ सकता है। डॉक्टर माता पिता को सलाह देते हैं कि वो इस मौसम में बच्चों की सेहत का विशेष ख्याल रखें। आई फ्लू से बच्चों को इस तरह बचाएं, ऐसी जगह ना जाएं जहां ज्यादा लोग हो, हाथों को समय समय पर धोते रहें, वही आंखों को हाथों से छूने से बचें, आंख की किसी भी समस्या को लेकर डॉक्टर से मिले। आई फ्लू होने पर क्या करें, अपना तौलिया या रुमाल यूज करें, परिवार में दूसरे से अलग सोए, दिन में कम से कम 4 से 5 बार आंखों को पानी से धोएं, आंखों में दर्द हो तो डॉक्टर को दिखाएं। आपको ये भी बता दें कि जिन लोगों की आंखें दर्द कर रही हैं, उन्हें साबुन से हाथों को बार बार धोते रहना चाहिए और आंखों पर काला चश्मा जरूर लगाए रखना चाहिए। इसके साथ ही इस बीमारी का इलाज एंटीबायोटिक आई ड्रॉप से होता है, जो कि मरीज को आंखों में थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर डालनी होती है। साथ ही इस बात का खास ख्याल रखें कि नेत्र चिकित्सक की सलाह के बिना कोई भी दवा को आंखों में ना डालें। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।